पंचम, इन पंक्तियों में कितना गहरा अर्थ छुपा है ना। जिस तरह से इंसान पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, उसी तरह से आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। टीना, पापा आगे पानी ले आना। लाई मौसी। डैड, राहुल और चिराग के बारे में वकील से कुछ बात हुई? इस वक्त तू ऐसी बातें क्यों कर रहा था? लो, आप भी वही सवाल कर रहे हो जो मौसी कर रही थी। क्या बात है जिया जी, आप इतने टेंस क्यों लग रहे हैं? राजश्री, दीपक अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? कार एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। अभी थोड़ी देर पहले टंडन ने मुझे फोन पर यह खबर दी। हमारे संबंध उनके साथ चाहे जैसे भी रहे हूं, लेकिन सचमुच बहुत बुरा हुआ राज। वेरी सैड। जो आज तेरा है वो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसलिए जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। तैयारी तो भगवान राम के राज्याभिषेक की भी हुई थी, लेकिन क्या वो राज्याभिषेक हुआ? उल्टा उनको 14 साल का बनवास हो गया। तू कहना क्या चाहता है? ये सगाई नहीं होगी। डैड, क्या ये अच्छा नहीं हुआ कि इतने कान के कच्चे लोगों के घर हमारी दीदी का रिश्ता नहीं हो पाया? अगर शादी के बाद किसी की बात सुनकर वो हमारी दीदी को परेशान करते, तो क्या हम अपनी दीदी को इतने आराम से तकलीफ से बचा पाते? कहाँ खोगी राजश्री? पंचम के बारे में सोच रही थी। कभी कभी उसकी बातें कितनी विचित्र लगती है ना, कभी कभी उन पर गुस्सा भी आता है, और कभी लगता है कि वो हमें भविष्य का एहसास कराना चाहता है। उसने कहा था कि टीना की सगाई नहीं होगी, और नहीं हुई। उसने कहा था कि अगर रिश्ता ना हो तो अच्छा है, और नहीं हुआ। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ही हुआ कि ये रिश्ता नहीं हुआ। अगर ऊपर वाले ने दीपक को सिर्फ इतनी ही जिंदगी देनी थी, अगर 2 दिन पहले टीना का रिश्ता हो जाता तो सोचिए दुनिया उसे क्या कहती। एक बार किसी लड़की के माथे पर मनहूस होने का दाग लग जाता है, आप तो जानते हैं कि उसका दोबारा रिश्ता होना कितना मुश्किल है। अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, हमारी टीना कलंक से बच गई। ये भी दीपक की मौत का दूसरा पहलू है।